ठीक है मुनिया, तू महेश को जरा हल्दी वाला दूध दे दे, मैं सोना के पास जाती हूँ। पानी लाता हूँ। रोहित, महेश तो अटैकर नहीं लगता मुझे, क्योंकि अगर ये अटैकर होता या उसे जानता भी होता तो ये सोनाक्षी को बचाता क्यों, उसे लेके चला जाता यहाँ से। Why would he do that? महेश नहीं है तो कौन है अटैकर? I don't know. लेकिन अभी तुम रिलैक्स करो, लेट्स गो, वरना सबके कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे घर से। अम्मा, हम लोग चलते हैं। सोना के लिए भी हल्दी वाला दूध बना दे। रोहित, बारात लेकर जल्दी आ जाना और फिक्र मत कर, महेश है ना इधर। नहीं मैम, मुझे सर के साथ जाना होगा ना, वहाँ बहुत सारे काम होंगे। नहीं नहीं रोहित, प्लीज इसे यहीं पर रहने दो। नहीं, तुम यहीं रुको सोना के पास, ध्यान रखो उसका, कीप हर सेफ। मैम, मैं नीचे जाता हूँ, कुछ काम होगा तो आप बुला लीजिए। ठीक है। सेट से फोन क्यों नहीं आया अब तक? महेश, तू गांव पहुंचे कि अभी यही है? अरे नहीं नहीं, स्टेशन पे ही, अभी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। सोचा तेरे को फोन कर लूं, थोड़ा टाइम मिल गया तो। क्या है सेट पे, क्या हो रहा है? अरे मत पूछ भाई, बवाल हो गया सोनाक्षी मैडम। क्या? अरे यार, मैडम के जिस चिप में सीन थे वो चिप खराब हो गई है, और चैनल बोल रहा है कि सीरियल बंद कर देगा। अगर भाई सीरियल बंद हो गया तुम सब लोग क्या करोगे? नेत्रा मैडम ने बुलाया नहीं क्या पार्वती मैडम को? सोनाक्षी मैडम की शादी है ना, नेत्रा मैडम इनको शादी से बुलाना नहीं चाहती। चल चल चल, जल्दी से हल्दी वाला दूध पी ले। जान निकाल दी तूने मेरी, कुछ हो जाता तुझे सोना तो। ये धागा बांधा था ना तेरे हाथ में, इसकी वजह से तू बच गई, और तू इसी का मजाक उड़ा रही थी। अंदर आओ महेश। हाथ दिखाओ। आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, हाथ दिखाओ। ज्यादा लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक हो ना? वो डेकोरेटर आया होगा, तू ये ले और ये आराम से पी ले। नेत्रा जी को फोन करके पूछ रहे वो कहाँ है, कितना टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? पूछती हूँ। मैम, नेत्रा जी नहीं आ पाएंगी। क्यों? और तुम्हें कैसे पता? वो उनके ड्राइवर ने मुझे बताया कि आपकी वजह से ना सेट पे बहुत परेशानी हो गई है, और नेत्रा जी बहुत बहुत टेंशन में है। What? मैं जानती हूँ सोना, मैंने संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, चैनल अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, धमकी दे रहा है कि शो बंद कर देगा। नहीं नेत्रा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं शूट कर लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सोना। क्या तू शूटिंग पे जा रही है? माँ बहुत बड़ी इमरजेंसी है सोना, कुछ भी हो जाए तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, दैट्स इट। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लो आप, मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है मम्मा। आधे घंटे का काम है मम्मा, डायरेक्टर सर और कैमरामैन यहीं आ रहे हैं मेरे क्लोजेस लेने के लिए, करना पड़ेगा। मम्मा मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। कोई शूट करने यहाँ नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें बाहर जाना ही होगा पार्वती।
अरे हमारा दूल्हा तैयार है। वेरी हैंडसम रोहित, सुपर्ब लग रहे हो भाई। वाह वाह। बस बस, अब कोई तंग नहीं करेगा और कोई नजर नहीं लगाएगा। इसे नीचे लेकर चलते हैं क्योंकि आज मेरे रोहित की सहरा बंदी है। चांस मिला या नहीं? रोहित की सहरा बंदी भी हो गई, कुछ घंटों में तो उसकी शादी भी हो जाएगी। मैं तो हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। सोना, कुछ भी हो जाए तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, दैट्स इट। मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है मम्मा। डायरेक्टर सर कैमरामैन को लेके यहीं आ रहे हैं, मेरे क्लोजअप लेने के लिए मम्मा सिर्फ आधा घंटा लगेगा। प्रभाकर सर की गाड़ी इक्विपमेंट लेके इसी रास्ते से आएगी, लेकिन मेरे होते हुए पार्वती के घर तक नहीं पहुंचेगी। आज मेरे और पार्वती के बीच में जो भी आएगा उसे रास्ते से हटा दूंगा मैं। हट 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 मुनिया, हो गया। सुनीता जल्दी आओ, जल्दी से रेडी कर दे, बिल्कुल टाइम नहीं है। डायरेक्टर सर डीओपी को लेके किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे। पहुँच गए। ये सोनाक्षी मैडम का घर और कितनी दूर है? यही 15 मिनट के डिस्टेंस में है, आ जाएगा। सुन भाई, गाड़ी आ रही है। हाँ। ये ले, इसमें तेरा एक और खंभा आ जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे कहा एकदम वैसे ही करना। बहुत बार किया है, इस बार भी हो जाएगा। करके देखा, चल। I'm